मम्मी को ले गए अस्पताल, तो टेस्ट का डेढ़ घंटा का है, तो दुआ करें कि टेस्ट हो जाए और दवाई लेके आ जाए। ज़ैनब नीचे उतर आओ। अभी ऊपर की चढ़ी थी, वैसे चढ़ी थी, वो पेट टूट जाएगी फिर आप आपके अम्मी बहुत डांट लगाएगी। हसबी लबी गल्ला काफी कलबी गालुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्ला पेटी नोने कलमा पढ़ा इलाहा इलाहा इल्लल्ला। तो जी हम खेल रहे हैं ये वो पुराने बाबे की जो मशीन थी वो मुझे जाना भी और बगदावर भी ब्लड लो हमारा चेक करेंगे। असलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? मैं इसका क्या अच्छा ठीक सा खैर खैर संगे जान बड़ा खुश रहा बड़ा हाथ से रात को रखे रहा मेरी मेरी खाला कह रही और मेरे चाचा कह रही बहुत बहुत। असलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, कैसा है? मैं कल क्या अच्छा ठीक सा खैर संगे जान बड़ा खुश रहा बाद रहा हाथ से मुस्कुराते रहा है फुलकता है मैं पापा के लिए और अम्मी के लिए बहुत बहुत दुआ कर रही हूँ। असलामुअलैकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? तुम्हें ठीक करो मैं ठीक है। सारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल करने वाले वीडियो उसके बेल कर लेना। मेरे बाबा के लिए और अम्मी के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लंबरदार? ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे हैं। बस वैसे व्लॉग शिलोग और हाँ जी सुनाओ, दवाई लेके आ गए? हाँ दवाई लेके आ गया। शहर गए थे? हाँ शहर गए थे। सही सही हाँ जी। चलो खैर करे और ठीक ठाक, अपना सुनाओ। बिल्कुल जबरदस्त बैठे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाँ जी। तो अभी आके बैठ गए हैं। हाँ जी। पंखा लगाया हुआ था। हाँ जी। सुकून से बैठे हैं, थोड़ी हवा ले लेते हैं। हाँ जी। फिर जो है आ जाएंगे वो वसीम भी है सामान लेने। हाँ जी। फिर अपनी वीडियो भी स्टार्ट करनी है हमने। हाँ जी। शाम के लिए। अच्छा जी। शाम के रूटीन की। हाँ जी। एक बजे 12:30 बजे जो है वो अपलोड कर दी थी। हाँ जी। और एक जो है शाम को करते हैं 8-9 बजे। हाँ जी। तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी। हाँ जी। देखेंगे फिर किस टाइम तक बनती है। हाँ जी। और आज की हमारी रेसिपी जो है वो कैसी बनती है। हाँ जी। ये भी तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। हाँ जी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ जी। खुद बनाओगे? हाँ खुद बनाऊंगा। रोजाना डेली डेली बनाते हो? डेली बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ भाई। हाँ जी। खुद बनाता हूँ तो तमाम बहन भाई देख रहे हैं ना। हाँ जी। वो कहते हैं आप खुद बनाओ और हांडिया वगैरह जो भी है सब कुछ बनाओ और वीडियो आपके देखते हैं कैसे नहीं चलती। हाँ जी। मुझे कॉमेंट्स आए हैं काफी बहन भाइयों का, उन्होंने कहा है कि अपनी हांडी खुद बनाओ। हाँ जी। आप साफ सुथरा माहौल करो। हाँ जी। वैसे भी हमारा साफ सुथरा माहौल होता है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा है कि फिर देखते हैं आपकी वीडियो कैसे ट्रेंड पे नहीं चलती। हाँ जी। तो इसलिए ना कल की जो है मैंने खुद शुरू की हुई है। हाँ जी। और दुआ करनी है आपने भी। हाँ और दुआ अपने, अपने वर्ल्ड ऑफ मुखलिस चैनल पे। हाँ मेरा वसीम अकरम व्लॉग्स का भी नाम ले लिया करें कभी कभी। हाँ जी ले ले। हाँ भी वसीम अकरम व्लॉग को भी जाकर देखा करें, शेयर की करें वीडियो। इतना भी कह दिया कर यार, कह दे यार। चलो सही है सही है, मेहरबानी है आपकी फिर। हाँ जी कह दिया, जरूर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी भैया तीन जो है फिर क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र है। ये क्या हो रहा है? ये दीवार तोड़ रहा हूँ ना। हाँ जी। यहाँ पर निकालना है गल्ला। हाँ जी। इधर से ना बंदा अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर यहाँ पे जाएगा। हाँ इधर से जाएगा ना।
हाँ जी, वो है ना एक ये साइड है, उधर से जाएगा सफर लंबा है, इधर से डायरेक्ट अंदर। हाँ जी, हाँ इसलिए बना रहा हूँ। फिर फंस जाए, फिर इतना थोड़ा बनेगा। कितना बनेगा? इतना बनेगा यहाँ से लेकर ना। हाँ जी, इधर से। हाँ जी, उस तक ये सारा। अच्छा जी, हाँ सची सची बता रहे यार, ये परनाला लगा हुआ था, वो देख ऊपर दिखाना वो। हाँ जी, इसकी ना वो बनी हुई है ना नुकरे। हाँ जी, वो तोड़ रहा हूँ ताकि कलर जो है ना सीधा सीधा हो जाए। हाँ जी, बस बस। और सुना? और ठीक ठाक। तबीयत नहीं हैसियत? अलहमदुल्ला ठीक ठाक है। क्या कर रहे हो आजकल? बैठ के ये काम होता है क्या करते हैं। अच्छा, तुम कितने पढ़े हुए हो? हम दो पढ़े हुए हैं। कौन? अबू तुम्हारा और तुम? नहीं, अबू तो पता नहीं है, मेरी गाल सुन लिया। तुम्हारी गाल हो रही है? हाँ जी, तुमने कहा कि हम दो पढ़े हुए हैं। हाँ जी, दो पढ़े हुए। मतलब अबू तुम्हारा और तुम पढ़े हुए, बाकी अनपढ़ हैं? सब पढ़े। सब का नहीं बोला। किसका? मेरा बोला है। आप कितने बड़े हो? अच्छा मतलब, अच्छा बताओ तुम कितने बड़े हो? मैं दो पढ़ा हूँ, दो क्लास। यार मैं पूछ रहा हूँ तुम कितना बड़े हो? बड़े? हाँ बड़े, मुझे पता नहीं है। उम्र का पता नहीं है? नहीं। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, वैसे तुम पढ़े हुए हो दो क्लास? हाँ जी, मैं दो क्लास पढ़ा हुआ हूँ। हाँ जी, और मेरा अब्बू मैट्रिक पास है। हाँ जी, और मेरी अम्मी एज ए हॉल। हाँ जी, मतलब सब मजमून में फेल है वो। हाँ जी, पढ़ी लिखी नहीं है। और तुम्हारी जो उम्र है ना? हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताएं। तकरीबन तुम्हारी उम्र है इस टाइम 18 साल। हाँ जी, पूरे हो गए 18 साल? पूरे हो गए। शादी कब कर रहे हो? बस जब बाबू ठीक हो जाएगा तो फिर। अबू भी बीमार है, अम्मी भी बीमार होगी। अच्छा, मैं ना उनको अच्छी सी दवाई फिर ला कर दो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और तुम्हारी शादी कर गए। हाँ जी, अभी दवाई लेके आए हैं। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर के पास गए थे शहर, तो दवाई लेके अभी आए हैं। अम्मी की? हाँ जी। अच्छा, अब तबीयत कैसी है? अब कुछ बेहतर लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो। हाँ जी ठीक है। और कोई हुक्म हो तो बताओ। और हुक्म नहीं है। अच्छा, बस ये बताने आए ये क्या कर रहे हो, पता लग गया। ये बताने आए हो कि ये क्या कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो बताओ ये क्या कर रहे हो? ये बताया तो गया है आपने। यार तुम आए हो बताने कि ये क्या कर रहे हो। हाँ जी, अब बताओ ये क्या कर रहा हूँ? ये पनाला गहरा होता है, पानी आता है, तो इसलिए मुझे जा बना रहे हो ऐसे। पानी नहीं आता, बारिश हो जाती है। यार बारिश आती है, पानी नहीं आता है? बारिश आती है, पानी नहीं आता? बारिश आती है तो पानी आता है। अच्छा। हाँ जी, बारिश ज्यादा आती है तो फिर पानी ज्यादा आता है। इधर से क्या आता है? इधर से पानी आता है। यार ऊपर छत है, इधर से कैसे आएगा? कैसे आएगा? चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई अजाना हो चुके हैं, तो अब जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। हाथ मुँह धो के तो नमाज पढ़ते हैं। पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के तो फिर आपको दिखाते हैं। मेरे बहन भाई नमाज जो है अदा कर ली है, तो घर गया था, तो आप लेने जा रहे हो सौदे, तो जाते हैं सौदे भी लेते हैं और सोचे भी लेते हैं। तो बिजली ख़राब है ना, इसलिए तो बिजली वाले को कहेंगे पक्खा भी लगा दो, मोटर भी लगा दो और स्विच भी दे दो। और दाल भी लेनी है और चीनी भी लेनी है, तो डबल रोटी भी लेनी है। तो अबू पागल हो गया था, तो उसको बांध दिया है और बच्चे को मार रहा था, तो इसलिए हम अबू को बांध दिया है। तो टिटिंग करेगा चाचू असलम या अहमदीन या अकरम, इसको दे के जाऊँगा। हटी तक वो करता है तो जो अकरम को दूंगा। मैं क्यों, मैं जा रहा हूँ दूर लेने, तो अभी तो मैं हूँ, जब टाइम होगा दूध का अक्रम को दूंगा। तो इसको हटी तक करो, तो मैं जा रहा हूँ दूर लेने। अरे बहन भाइयों, चीनी ब्रेड दाल और सोच ले लिया, तब ले के जा रहा हूँ, तो घर देते हैं, तो फिर सोचे भी बनाएंगे और तार पे लगाएंगे। तो मोटर वाला सोचा है, तो मोटर को फिट करेंगे, तो उसको लगा के पे रख देंगे। तो बिजली वाले कहा अब मोटर
लगा दो। तो मोटर अभी अभी आ रहे हैं, मोटर लगाते हैं, मोटर लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी ये सामान ले लाऊं तो मिस्त्री को कहा तो आप जल्दी जल्दी आओ, मोटर लगाओ, पक्का वाला छत वाला पक्का भी लगाओ। तो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ पौधे, तो उसको बताते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मेरे बहन भैया सिलेंडर ही डाल चुका है, तो पतीला भी पचरा दिया है, पानी उबे लगा, तो फिर डालेंगे दाल। अब इसको छानी जा रही है, तो इसको अच्छी तरह से छानेंगे, तो फिर इसमें डालेंगे, तो मसाला भी काटना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैर है? ठीक ठाक हो? तकड़े हो? राजी हो? राजी हूँ। अम्मी अब्बा ठीक हैं? अम्मी को बुखार है। वाला अम्मी को बुखार आ गया, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, आज सुबह जा रहे थे घर। हाँ, वो यार बस नहीं मिली ना, इधर से लेट हो गया। हाँ जी, फिर खानपुर गए थे। हाँ जी, तो खानपुर से जो है ना 12 बजे दवाई ली थी। हाँ जी, तो दवाई लेके वापस आ रहे थे, बस वाला खड़ा था, उससे अहमद ने पूछा, उसने कहा 1:30 बजे जाएगी। हाँ जी, मैंने सोचा अभी 6-5 घंटे लगते हैं हमारी जगह जाने में। हाँ जी, अभी टाइम तो थोड़ा शाम हो जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी लेट है, गर्मी में बैठे हैं, इसीलिए हमने वेस्ट कर लिया, सुबह का टाइम बना लिया 6 बजे सुबह ठंडे टाइम। हाँ जी, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे। हाँ जी, घर पहुँच जाएंगे ठंडे टाइम में। हाँ जी, सही किया ना? सही किया। ओके हो गया, ओके हो गया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, लग रहा है। ये प्लसर करना है क्या? ये पानी त्रे मार रहे हो? अच्छा अच्छा जी, तो कितना प्लस्तर हो गया? प्लस्तर थोड़ा बचा हो रहा है, थोड़ा यहाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी, पानी लगा रहे हैं, इसको पानी लगाएंगे तो प्लस्तर कल करने है सुबह या अब करना है? सुबह। अच्छा जी, चले अपन बारी मारे जी, सुबह इंशाल्लाह प्लस्तर करना है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक। तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह सूट हो गया जी। हाँ जी, और ठीक ठाक, मजे हैं? मजे हैं। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, अबू कैसी है, अम्मी कैसी है? बस अम्मी की अभी तो भी दवाई लेके आए हैं आपसे। अच्छा। तो अबू तो वैसे ही कुछ बेहतर लगते हैं। अच्छा। हाँ जी, चलो अल्लाह पाक खास करम करेगी। हाँ जी, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, हम दुआ करते हैं हमेशा सब के लिए। हाँ जी, बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह पार्टी करेंगे। इंशाल्लाह कहाँ जा रही हैं? खेलने। दुपट्टा कहाँ है? हाँ, दुपट्टा पहन के बाहर निकला करो, ठीक है? हाँ जी। और जैनब को बोल देना आप दुपट्टा पहने। हाँ। और आप भी दुपट्टा पहने, जब स्कूल जाती है दुपट्टा नहीं पहनते? फिर घर में ऐसे होती है तो जाओ करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं कहती हूं अच्छे ठीक संग साथ के संग जा बड़ा खुश तो मुस्कुरा खुले की तो मेरे खाला की जो है ना तबीयत कुछ कुछ ठीक हो रही है और मेरे चाचू की। हाँ जी, आज दुआ कर लें, दुआ कर लें। खाला की और चाचू की दुआ कर लें, ठीक हो जाए। खाला की और चाचू के लिए दुआ कर दें, मैं भी दुआ करती हूँ। है अल्लाह मेरे चाचू के लिए और खाला के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं भी दुआ करती हूँ। पहले बहन भैया ये देखें, आटा लोया जा रहा है, तो आटा लो रहे हैं, तो आप पहले पहले डाल रहे हैं नमक, नमक भी डालते हैं तो बहुत बहुत अच्छी रोटी बन जाती है, फिर खाते हैं हम। तो ये देखें, आटा लोया जा रहा है, तो नमक डाल रहे हैं, नमक डालेंगे तो ये भी मिक्स करना है, तो फिर बेहतरीन रोटी बन जाएगी। तो नमक भी डाल दिया है, आप ये देखें। हाँ जी, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेबी आ गई हो?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा मुझे पानी पिला। हाँ जी, तो दवाई लेकर आ गए हैं। ये सिरप है 3 टाइम खाली पेट, और ये गोलियां हैं, ये 2 रात को खानी हैं, बाकी ये हैं, ये भी 2 टाइम खानी हैं। ये गोलियां हैं, ये भी 1 गोली रात को लेनी है, ये भी हैं, ये 2 टाइम हैं सुबह शाम, और ये भी सुबह शाम। तो दवाई लेके आ गए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतर हो जाएगा। मेरी अम्मी बैठी हुई है, अम्मी दवाई खाई है? हाँ बेटा, अभी दवाई लेकर आई हूँ जो दोपहर वाली खानी थी, कुछ गोली वगैरह खा लिया है। हाँ जी। जो मेरा दिमाग जो है ना बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं फट रहा था। हाँ जी। तो अभी दवाई कुछ खा लिया है, कुछ बेहतर है, तो बाकी की दवाइयाँ जो है वो शाम को खानी है। हाँ जी। और रिपोर्टें वगैरह वो भी आप लोग ने देखी है, तो मेरे लिए आप लोग बहुत सारी दुआ करनी है कि जल्द से जल्द मैं सेहतयाब हो जाऊँ। अभी मेरी तबीयत की जो कंडीशन बनी है आप लोगों को पता है, नहीं है तो मैं बताती हूँ कि मेरी तबीयत मुखलिस की वजह से परेशान हूँ मैं। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, 1 मंथ से ऊपर हो चुका है। इसकी दवाई करते करते इसको 3-4 टाइम खिलाना पिलाना, इसकी देखभाल करनी, और ये कभी तो ओआर इतनी हो जाता है, मारता है बच्चों को, हमसे संभाला नहीं जाता। और भाई जो हैं इसके वो भी इससे थक चुके हैं, कोई साथ भी नहीं दे रहा, दवाइयों का खर्चा और साथ में चेकअप करवाना आना जाना पड़ता है, खर्चे किराए लगते हैं। तो इस वजह से सोचते ना मेरी ये हालत बन चुकी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, उसकी पढ़ाई भी चल रही है, घर का सर्कस भी चलाना होता है। तो जो मुखलिस न्यूज़ एडिटिंग वाला काम करता था वो तो इसका पहले से ही चला गया, अभी रोज़गार हम हैं नहीं, हर बंदा जो है अपनी में पड़ा है, कोई पूछने तक भी नहीं आता। तो इस टेंशन और परेशानी की वजह से मेरी जो हालत है इस तरह से हो गई है। अल्लाह पाक खैर करे, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग मेरे लिए और मुखलिस के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। जितने दिन की दवाई पड़ी है खिला रही हूँ, आगे अल्लाह पाक खैर करेगा, ना फुर्सत है मेरे पास ना आगे मैं दवाई कर सकती हूँ। तमाम भाई बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और अल्लाह हाफिज़।